हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू एमबी गेमिंग पार्टी 2.0 गाइज। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने आइलैंड में वापस से आ चुका हूँ गाइज। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा पिगमैन स्वॉर्ड बेस्ट है या फिर हमारा AOTD यानी एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन। और उससे पहले यहाँ पर एक भाई मुझे विजिट करने आए थे, गेमर दिव्या नाम का, तो बिग शॉट आउट टू हिम। और गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से एक सब्सक्राइब जरूर से कर दो गाइज, क्योंकि गाइज वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है गाइज। तो जल्दी से अगर आप लोग एक सब्सक्राइब भी करोगे गाइज, तो वो मेहनत कामयाब होगा गाइज। और लाइक भी ज़रूर करना। और हम लोग गाइज 800 सब्सक्राइब के भी बहुत करीब है, बस 3 सब्सक्राइब और चाहिए गाइज हमें, तो जल्दी से उसे भी कंप्लीट करवा दो गाइज। और मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए गाइज, अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं आपको ऐसी ऐसी और अमेजिंग वीडियोस बना के दूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज कि आप लोग मेरी सारी वीडियोस जितनी भी हैं वो सब वापस से देख सकते हैं और फुल्ली देख सकते हैं गाइज, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विदाउट स्किप, तो ही आप मेरी मदद कर सकेंगे गाइज। तो आप लोग जरूर से मेरी मदद करिए गाइज। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई भी अच्छा एक बड़ा यूट्यूबर बन जाए, तो ज़रूर से हेल्प करिए गाइज। तो अभी तो अपने मिनट्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज कि दोनों में कौन सा बेटर है। और इसी के साथ मेरा एंडरमैन पेड भी 88 लेवल का, तो इन लोगों को गाइज मैंने बहुत दिनों से कलेक्ट किया नहीं था, तो ये लोग पूरे फुल्ली तरीके से भर चुके हैं गाइज। और ये तो यहाँ पर तो ग्लिच भी चल रहा है, तो देखते हैं। और स्पेस है इन्वेंट्री में भी, और स्पेस नहीं है तो मेरे को एक काम करना होगा, जो हमारे स्टोरेज है गाइज उसी में रखना होगा, या फिर हम अपने बैकपैक में रख सकते हैं। तो यहाँ पर स्नो को अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, लेजेंडरी एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन बेटर है या फिर आपका नॉर्मल जो है वो बेटर है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। और यहाँ पर क्या ग्लिच है, जल्दी से क्लिक करता हूँ गाइस ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और यहाँ पर तो इन्वेंट्री बार बार मेरी फुल हो जा रही है गाइस, तो दो यहाँ पर डायमंड भी भर चुका है, इसको भी फेंको फेंको। और मैं गिर गया, इसको इस तरीके से हमें करते रहना है, तो हमारा इन्वेंट्री फुल नहीं होता। और यहाँ पर शायद से मैं इसे ही कलेक्ट करूँगा गाइस, तो मेरा इन्वेंट्री पूरा फुल हो जाएगा। अब हो भी जा, अरे हो जा। तो यहाँ पर ये कलेक्ट हो चुका है, और ये तो कलेक्ट होगा नहीं क्योंकि मेरा इन्वेंट्री ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो कुछ करता हूँ, वापस स्टोरेज में जा कर के, तो यहाँ पर भी बहुत जगह गाइस, तो यहाँ सारे स्नो ब्लॉक को मैं यहीं पर रख देने वाला हूँ, और कुछ स्नो ब्लॉक को मैं स्प्रेड कर देता हूँ। और हमारा डायमंड का भी फुल हो चुका है, तो अब हमें डायमंड के लिए भी स्पेस बनाना होगा। ये क्या ग्लिच हो रहा है, तो यहाँ पर हम मैंने इस तरीके से इसको कर दिया सेटअप। अभी इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी कलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर से अभी और दो, अरे यार बड़ा मुसीबत, वापस से इन्वेंट्री फुल गाइस, मतलब क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मारो मेरे को मारो, ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये स्लाइम तो और परेशान करके रखते हैं गाइस, क्योंकि पता ही होगा कि ये कितना डैमेज देते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही तंग करते हैं। तो अभी मैं जितना कलेक्ट कर पाऊँगा जो उतना करूँगा, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने तो वह मैं बाद में कर लूँगा, या तो फिर हम पूरे ही को कलेक्ट करेंगे। और ये क्या हो रहा है, मिनियन चेस्ट ओपन हो रहा है, मगर ये मिनियन ओपन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी। वापस से चेस्ट ओपन हो जा यार, हो गया। वापस से सारे डाल देता हूँ अंदर, और वापस से थोड़ा सा जगह बना है तो उसी में हम लोग इसको स्प्रेड कर देते हैं वापस से। तो मेरे ख्याल से इतना स्पेस भी काफ़ी नहीं होगा, तो हमें स्टोरेज में थोड़ा और इसके अंदर भी रखना होगा। इसके अंदर मैं स्नो बॉल्स को रख देता हूँ गाइस, क्योंकि स्मेल की स्लाइम बॉल, मैंने गलती बोल दी, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आप समझ ही सकते हो गाइस। और अब यहाँ पर हमारा ये वाला मिनियन भी होते हुए, तो इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया स्पेस वापस से, मतलब कितना ही ये लोग दे रहे हैं गाइज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली गाइज मैंने सबको कलेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं बाज़ार में बेच के आता हूँ, तो मिलते हैं गाइज आपको हब के अंदर। तो गाइज हम लोग बाज़ार के पास आ चुके हैं, अब जल्दी से जा करके सारी चीज़ों को मैं सेल कर देता हूँ,
तो इन चीज़ों को सेल करने में मेरे को 3,8,94,000 बोले तो 4 मिलियन के करीब गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितना भी है मेरे पास यहीं पर है। और यहाँ पर उल्फ स्वेयर कोई कर रहा है इसीलिए आपको ये आवाज़ मिल रहा होगा गाइस उल्फ का, तो मैं नहीं मार रहा हूँ, ये बेरहम लोग है गाइस, ये दुनिया बहुत बेरहम है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बहुत शरीफ हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मैं भी ये सब काम कर चुका हूँ। और यहाँ पर प्लेयर ही आके खड़े जाते हैं गाइस, तो बहुत गलत बात है गाइस, हम लोग यहाँ पर सेल नहीं कर पाते इन लोगों की वजह से। और यहाँ पर मैंने इतना कुछ सेल किया है तो बोले तो 4.5 मिलियन के करीब है, तो बैंक के अंदर इसको भी डिपॉजिट करा देते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 25 मिलियन है। तो अब आते हैं गाइस इस वीडियो के टॉपिक पे, तो सबसे पहले आपने तलवार को तो निकाल लिया ही जाए, ये रहा हमारा लेजेंडरी एस्पेक्ट ऑफ द एंड। तो हम लोग डंजन के पास आ चुके हैं गाइस, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पिगमेंट शॉट का डैमेज, तो इसका डैमेज जो है गाइस 7,586 का है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर 7,586। अब बारी आता है गाइस हमारा लेजेंडरी एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन, तो इसको किल करने पर गाइस हमें 8,712 जो कि ज़्यादा है गाइस, तो देख ही पा रहे होंगे आप लोग 8,712 का ये डैमेज दे रहा है, तो ये हमारा क्रिटिकल डैमेज। तो यहाँ पर हमारा एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन हमारा एक पॉइंट जीतता है गाइस। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका मतलब एक नॉर्मल डैमेज, ये तो मैंने अभी आपको क्रिटिकल वाला दिखाया, मैं आपको नॉर्मल डैमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर गलती से वो हो जाता है क्योंकि उसको होने में ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं करता हूँ गाइस, मैं सबको एक साथ दिखाने वाला हूँ। डेमोक्रेटिक कंट्री है गाइस, तो हम लोग डेमोक्रेसी के साथ ही बात करेंगे आज, तो किसी पे तो हो जा, अरे यार हो भी जा अब। और अगर गाइस मैं अपने इस शॉट की बात करूँ तो ये जो है गाइस ज़्यादा क्यूबिज्म, मतलब जितने भी क्यूबिक मॉब है गाइस उस पर ये ज़्यादा डैमेज देता है, यहाँ पर ये 10K तक का डैमेज दे सकता है हमारा एस्पेक्ट ऑफ द क्यूबिक मॉब्स को। तो यहाँ पर गाइस अब तक औसत तो कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर गाइस ये सबको ही 7,000 का डैमेज दे रहा है, देख पा रहे होंगे, तो ये अपना नॉर्मल डैमेज हमें दिखाई नहीं रहा, शायद से ये इसमें भी हार ही जाएगा, मगर मैं भी आपको दिखाई के रहने वाला हूँ गाइस, तो मिलते हैं जब इसका डैमेज मुझे पता चल जाए। तो गाइस मैं बहुत देर से इसका ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि काश इसका मेरे को नॉर्मल डैमेज पता चल जाए, मगर वो पता चलने का नाम ही नहीं ले रहा गाइस, तो मैंने गूगल भी किया तो जिससे मेरे को पता चला है कि इसका नॉर्मल डैमेज होता है 1.5K का होता है, मतलब 1,500 का। और अगर मैं अपने एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन की बात करूँ गाइस तो इसका डैमेज होता है नॉर्मल वाला 2.5K। तो यहाँ पर वापस से हमारा AOTD एक बार फिर से जीत चुका है। तो अब यहाँ पर गाइस हम लोग इसके एबिलिटी के बारे में देखते हैं, क्योंकि इसका एबिलिटी अच्छा है, मगर उसके लिए भी मेरे पास उतना माना है नहीं, तो उससे पहले गाइस मैं आपको, तो देख सकते हैं गाइस फाइनली मैं पता चल चुका है, तो इस स्क्वाड का डैमेज अब गाइस 1.8K का, तो उस लीडर बोर्ड को कैंसिल करते हैं और वापस है, और इसका डैमेज गाइस 2.5K, यानी कि हमारा हर हाल में AOTD ही जीत गया है। और ये गाइस आपके मॉब को ये आग भी लगा देता है, जो कि है तो ठीक, और यहाँ पर बहुत मॉब्स आ चुके हैं गाइस। तो ये हमारा जो गाइस डैमेज है ये टैलिस्मैन के साथ है, अब हम लोग अपने सारे टैलिस्मैन को हटाने वाले हैं, तो रिमूव करते गाइस सबसे पहले अपने टैलिस्मैन वगैरह को। तो आप लोग मुझे कमेंट बोल रहे थे गाइस आप टैलिस्मैन का यूज़ करो, तो मैं उनको बता दूँ कि मैं टैलिस्मैन का यूज़ करता हूँ, वो मेरे एसेसरी बैग में रखे हुए हैं, मैं वापस से अपना खोल नहीं सकता, क्या मुसीबत। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ गाइस अपने चेस्ट के अंदर डाल लेता हूँ ताकि ये मेरे इन्वेंट्री में ना रहे, उसके बाद मैं आपको इसका डैमेज में दिखा देने वाला हूँ। तो ये मैंने सब रख दिया है, अब मैं इसका डैमेज दिखाता हूँ, तो इसका डैमेज अब गाइस 6,204 और पहले इसका डैमेज 7.5 था के। अब मैं अपने एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन को दिखाता हूँ, मगर यहाँ पर तो इसका एबिलिटी ही यूज़ हो चुका है, मगर कोई ना, तो देख सकते हैं इसका डैमेज अभी भी 7,000 का है, यानी कि गाइस इस में भी हमारा एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन वापस से जीत चुका है, तो मुबारक।
तो हमारे एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन किसी के साथ 3 पॉइंट होता है और पिगमेंट स्वॉर्ड का 0। अब हम लोग गाइस इसके एबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो एबिलिटी तो अब हम लोग अपने शायद से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हमारे टैलिस्मैन को। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको टैलिस्मैन लगा दूँ। हमने अपना टैलिस्मैन लगा लिया तो वापस हमारे डैमेज 8K का पहुँच चुका है। दिल्ली लोगों को मारते हैं और ख़त्म करते हैं काम। और उसके बाद गाइस मैं आपको इसकी एबिलिटी का बता देने वाला हूँ। तो हमें हमारे माना भी चाहिए होगा थोड़ा, तो इसका माना चाहिए होता है गाइस हमें 100। तो एक बार इसको मार के देखते हैं। तो ये गाइस हमें 30,000 का डैमेज देता है। और अब बारी है हमारे पिगमैन स्वॉर्ड की, तो उसके लिए हमें 400 माना। तो यहाँ पर माना के हिसाब से गाइस हमारा एक ओटीडी फिर जीतता है, तो इसे 4 पॉइंट हो जाते हैं। और अभी भी हमारे पिगमैन स्वॉर्ड का, और हम अपने इसका यूज़ करते हैं, तो इसका डैमेज होता है गाइस 1,06,000, जो कि बहुत होता है। तो इसके लिए हमारा पिगमैन स्वॉर्ड को एक और पॉइंट मिलता है, यानी कि 4 AOTD का और 1 पॉइंट पिगमैन स्वॉर्ड का। और अब हमारा नेक्स्ट जो है गाइस वो इसका मतलब कि क्या हमें चाहिए होगा रिक्वायरमेंट ताकि हम इसका यूज़ कर सकें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं चाहिए होता है पिगमैन स्वॉर्ड के लिए, और लेजेंडरी एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन के लिए आपको 18 कॉम्बैट XP चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारा वापस से पिगमैन स्वॉर्ड जीतता है। तो अब हमारा लीडर बोर्ड की पॉइंट है 4 AOTD का और 2 पिगमैन स्वॉर्ड का। तो इस हिसाब से गाइस हमारा पिगमैन स्वॉर्ड हार चुका है और AOTD जीत चुका है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप AOTD यूज़ करो और पिगमैन स्वॉर्ड को आप अवॉइड करो, क्योंकि ये पिगमैन स्वॉर्ड आपको कम डैमेज दे रहा है, मतलब कि कम लोगों को मार रहा है, और उसके मुकाबले पिगमैन स्वॉर्ड कम है, बहुत ज़्यादा डैमेज का। ये यहाँ पर आपका 1K का कम है और यहाँ पर आपका ड्रैगन 1K ज़्यादा है। तो आज की वीडियो के लिए तो गाइस मैंने आज आपको बताया कि आप लोग दोनों में से किसका यूज़ कर सको, या तो आप पिगमैन स्वॉर्ड या तो आप AOTD में से क्या यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग AOTD यूज़ करो गाइस, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करना, मतलब कि चैनल को नहीं वीडियो का एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, और पूरी वीडियो देख के जाना। और वीडियो अच्छी लगी गाइस मैं वापस से बोल रहा हूँ, लाइक ज़रूर करना। तो हमारा इस वीडियो का एम लाइक है गाइस वो है 10 का, और इस वीडियो में मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ। तो पुराने गिव अवे के विनर का नाम है गाइस प्रोब्रो, इसी टाइप का उनका एक नाम है, तो वो जीत चुके हैं, तो वो अपना रिवार्ड आके ले सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट गिव अवे होने वाला है गाइस वो मैं करने वाला हूँ एक पर्सनल कॉम्पैक्टर 4000 का। तो आप लोगों ने सही सुना गाइस, मैं एक पर्सनल कॉम्पैक्टर 4000 का गिव अवे करने वाला हूँ। और जिन्होंने भी इस नॉमिनेशन को गिव अवे विन किया था वो जल्दी से आके अपना ले लें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक, मतलब कि वीडियो का एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।